नमस्कार, मैं हूं अदिति राजपूत। इसराइल का लेबनान पर हमला लगातार चल रहा है। इसमें हिजबुल्ला के कमांडरों से कहीं ज्यादा लेबनान के आम लोग मारे जा रहे हैं। इस बीच हिजबुल्ला ने इसराइल से युद्ध विराम यानी सीज फायर के प्रस्ताव को समर्थन किया है, लेकिन सवाल यह है कि हिजबुल्ला के इस हृदय परिवर्तन के पीछे आखिर वजह क्या है। इसको समझने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। लेबनान की धरती पर इसराइल का झंडा। इस झंडे के लहराने के पीछे लेबनान में 20 दिनों के भीतर ही लोगों की बर्बादी की खौफनाक दास्तां लिखी है। दक्षिणी लेबनान के मरून अल रास गांव में इस इजरायली झंडे को लहराने के लिए इसराइल लगातार लेबनान पर हमले कर रहा है। दसियों भूमिगत कमांडो को मारा और नष्ट कर दिया, और उनमें वो कमांडर भी थे जो दक्षिण में इसराइल के खिलाफ युद्ध का नेतृत्व कर रहे हैं। वो कॉन्करिंग गैलीली अभियान के भी इंचार्ज थे। हिजबुल्ला के चक्कर में लेबनान पर एक साथ धरती, आसमान और समंदर से बम बरसाए जा रहे हैं। नतीजा ये है कि चारों तरफ मौत का मंजर पसरा है। इसराइल का दावा है कि उसने 50 से ज्यादा हिजबुल्ला के आतंकियों को मार गिराया है। अब तक हम पुष्टि कर सकते हैं कि हमले में 6 सीनियर कमांडरों सहित 50 से अधिक आतंकवादी मारे गए। ये हिजबुल्ला आतंकवादियों का मनोबल तोड़ने के लिए एक गंभीर ऑपरेशन कमांड है। लेबनान की राजधानी बेरूत में तबाही के मंजर साफ साफ देखे जा सकते हैं। इस वक्त हम खड़े हैं। एनडीटीवी के संवाददाता मोहम्मद गजाली ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, जहां से उनकी रिपोर्ट के जरिए आप देख सकते हैं कि कैसे खूबसूरत बेरूत खंडहर में बदलता जा रहा है। और आपको दिखाता चलूं कि एक ऐसा घर है जहां पर लोगों ने अपने परिवारजनों को खोया भी है, 5 लोगों की मौत हुई है। और ये देखिए यहां पर तस्वीरें भी जो हैं उस परिवार की लगाई गई है। मैं अपने कैमरा पर्सन आजम को कहूँगा कि वो दिखाते चलें। इसी घर में ये लोग रहते थे, 3 महिलाएं हैं, 5 लोगों की मौत हुई है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये तबाही मची है सिर्फ एक बॉम्ब गिरने से। और आप देखें कि ये जो गाड़ियां यहाँ पर लगी हुई हैं, भारी भारी ये ट्रक है यहाँ पर, जिसको लेकर जो है इस ट्रक से जो है यहाँ पर रबल यानी जो यहाँ का मलबा है उसको हटाने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह हमास ने गाजा में ऐसी सुरंगें बना रखी थीं जिससे इसराइल पर हमला किया जा सके, वैसी ही सुरंगें हिजबुल्ला ने भी बना रखी थी। अपने खुफिया और सैटेलाइट तंत्र से इसराइल ने उन सुरंगों को ढूंढा और उनको तबाह करके इस हाल में पहुंचा दिया। आज हिजबुल्ला का कोई ठिकाना नहीं, कोई सुरंग नहीं जिसको इसराइल तबाह ना कर रहा हो। हमारी सेनाएं दर्जनों भूमिगत युद्ध संरचनाओं का संचालन और पता लगा रही हैं जो हमारे इलाके में प्रवेश नहीं करती हैं। हम जांच कर रहे हैं और उन्हें नष्ट कर रहे हैं। आज रात हमने अपडेट किया है कि हमने लगभग 25 मीटर लंबी एक सुरंग का पता लगा लिया है और उसे निष्क्रिय कर दिया है, जो दक्षिणी लेबनान के जारेट में हमारे देश के पास मारवाहीन क्षेत्र से लगभग 10 मीटर लंबी बाढ़ को पार कर गई थी। पिछले 20 दिनों से लेबनान पर इसराइल के लगातार हमले जारी हैं। लेबनान के मुताबिक इसराइली हमलों में 550 से ज्यादा लोग मारे गए हैं।
जिसमें 50 बच्चे भी शामिल हैं। माना जा रहा है कि 2006 से अब तक जितने लोग इसराइल और हिजबुल्ला के घमासान में नहीं मारे गए, उसके दोगुने लोग तो इस बार के हमले की भेंट चढ़ चुके हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लेबनान से कहा है कि हिजबुल्ला को भगाओ, नहीं तो गाजा से भी बुरे अंजाम के लिए तैयार हो जाओ। This is a message to the people of Lebanon. ये लेबनान के लोगों के लिए एक संदेश है। क्या आपको याद है जब आपके देश को मध्य पूर्व का मोती कहा जाता था? मैं मानता हूँ, तो लेबनान का क्या हुआ? अत्याचारियों और आतंकवादियों के एक गिरोह ने इसे नष्ट कर दिया। यही हुआ। लेबनान कभी अपनी सहनशीलता, अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता था। आज यह अफरा तफरी का स्थान है, युद्ध का स्थान है। 25 साल पहले इसराइल लेबनान से हट गया था, लेकिन जिस देश ने वास्तव में लेबनान पर विजय प्राप्त की वो इसराइल नहीं है, यह ईरान है। ईरान जो लेबनान के खर्च पर ईरान के हितों की सेवा के लिए हिजबुल्ला को पैसे और हथियार देता है। हिजबुल्ला ने लेबनान को गोला बारूद और हथियारों के भंडार और एक जाली ईरान सैन्य अड्डे में बदल दिया है। And a forward Iranian military base. इसराइल का दावा है कि उसने 20 दिनों के भीतर हिजबुल्ला के तमाम ताकतवर कमांडरों का काम तमाम कर दिया है। इनमें मोहम्मद नस्सर, तालेब अब्दुल्ला, इब्राहिम कुबैसी, इब्राहिम मोहम्मद, इब्राहिम अकील, फुआद शुकर, अली कराकी, बिस्सम अल तवील, अबू हसन समीर, मोहम्मद हुसैन शामिल हैं। इतना ही नहीं, इसराइल ने 27 सितंबर को बेरूत में हिजबुल्ला के हेडक्वार्टर पर हमला कर सरगना हसन नसरल्ला को भी मार गिराया। We've degraded Hezbollah's capabilities. हमने हिजबुल्ला की क्षमताओं को कम कर दिया है। हमने हजारों आतंकियों को मार गिराया, जिनमें खुद नसरल्ला और नसरल्ला का रिप्लेसमेंट और उसका रिप्लेसमेंट भी शामिल था। आज हिजबुल्ला पहले कई वर्षों की तुलना में बहुत बहुत कमजोर है। Then it's been for many, many years. 8 अक्टूबर 2023 को गाजा के समर्थन में हिजबुल्ला ने इसराइल पर हमला बोला था। हमले के उस घाव ने इसराइल को ऐसा हमलावर बना दिया जिसके कारण अरब देशों का स्विट्जरलैंड आज बर्बादी के कगार पर खड़ा है। साथ ही कमर टूट जाने से हिजबुल्ला भी इसराइल से युद्ध विराम की गुहार लगा रहा है। बेरूत से मोहम्मद गजाली की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो लेबनान के लोग जो हैं वो दोहरी मार के शिकार हैं। वो इसराइल और हिजबुल्ला के संघर्ष में पिसते हुए नजर आ रहे हैं और इसीलिए अपना देश छोड़ने को मजबूर भी हो रहे हैं। ऐसे में क्या हिजबुल्ला का सीज फायर का जो प्रस्ताव है वो सिर्फ दिखावा है या फिर लेबनान के लोगों का विश्वास जीतने की एक कोशिश है? जहां कभी जिंदगी का आशियाना था, वहां अब खंडहर है। लेबनान की राजधानी बेरूत से लेकर दक्षिण लेबनान के दूर दराज इलाकों तक लोग अपना वतन छोड़ पड़ोस के सीरिया में भाग रहे हैं। एनडीटीवी के संवाददाता मोहम्मद गजाली लेबनान और सीरिया की सीमा तक पहुंचे, जहां से लोग अपना देश छोड़ सीरिया में जा रहे हैं। इस वक्त हम सीरिया और लेबनान के सरहद के पास खड़े हैं। मेरे पीछे इस तरफ अगर आप देखें तो ये सड़क जो है वो लेबनान की तरफ से आ रही है और ये जितनी गाड़ियां आप देख रहे हैं, जब मैं आपको दिखाता चलूं, ये जितनी गाड़ियां हैं वो लेबनान की तरफ से वो लोग हैं जो इस जंग की वजह से सीरिया की तरफ जा रहे हैं। मेरे सामने जो है ये सीरिया की सड़क है, या जो सड़क है सीरिया की तरफ जाती है। ये एक परिवार है जो लेबनान से अब सीरिया की तरफ जा रहा है। ये दाहिया के इलाके का परिवार है, दाहिया का वही इलाका जहां पर हिजबुल्ला के हसन नसरल्ला की मौत हुई थी। एनडीटीवी संवाददाता मोहम्मद गजाली ने उन बच्चों से भी बात की जो लेबनान छोड़कर सीरिया जा रहे हैं। उन बच्चों का दर्द है कि वो मजबूरी में सीरिया जा रहे हैं, नहीं तो अपना देश भला कौन छोड़ना चाहता है।
okay. Suraya and I go to the Syria. I love Lebanon. Why are you going to Syria? Why are you leaving Lebanon? Because in Lebanon is danger. It's danger. जो लेबनानी बेबस हैं, वो सीरिया जा रहे हैं, लेकिन दूसरे देशों के नागरिक भी लेबनान छोड़कर भाग रहे हैं। लेबनान से चिली के 67 लोगों को लेकर एक विमान चिली की राजधानी सेंटियागो पहुंचा। चाहे लेबनानी हो या बाहर के लोग, सबका डर इस बात से बढ़ा हुआ है कि 24 घंटे के भीतर ही इजरायली हमले में 36 लोग मारे गए और 150 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इसराइल और हिजबुल्ला के एक साल के संघर्ष में 2119 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 10,000 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। पिछले कुछ दिनों से इसराइल के लगातार हमले ने हिजबुल्ला को थर्रा दिया है। एक भयानक भविष्य के खतरे से डरा हिजबुल्ला अब सीज फायर की मांग कर रहा है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्ला ने यहां तक कहा है कि वो गाजा में जंग को रोकने की शर्त भी नहीं रखने वाला। हिजबुल्ला के डिप्टी चीफ नईम कासिम ने मंगलवार को कहा कि हिजबुल्ला सीज फायर के लिए लेबनान संसद के अध्यक्ष नबीह बेरी की कोशिशों का समर्थन करता है। एक बार सीज फायर हो जाए तो फिर बाकी चीजों पर चर्चा की जाएगी, लेकिन इसराइल के रुख से नहीं लगता कि वो हिजबुल्ला की बातों पर यकीन करेगा, क्योंकि कोई नहीं जानता कि इसमें शांति की चाहत है या साजिश का कोई नया खेल। लेबनान से मोहम्मद गजाली, NDTV इंडिया के लिए। तो हिजबुल्ला ने सीज फायर का प्रस्ताव तो रख दिया है, लेकिन उस प्रस्ताव पर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, वो दिखाएंगे आपको एक ब्रेक के बाद। एक तरफ हिजबुल्ला इसराइल से युद्ध विराम की दुहाई दे रहा है, तो दूसरी तरफ इसराइल पर हमले भी कर रहा है। उत्तरी इसराइल के हाइफा शहर पर उसने रॉकेट दागे, इसीलिए युद्ध और शांति की दोहरी चाल के बीच हिजबुल्ला पर तीन बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस वक्त हिजबुल्ला इसराइल से युद्ध विराम की बात कर रहा था, उसी वक्त उत्तरी इसराइल के हाइफा शहर पर रॉकेट से बड़े हमलों को भी अंजाम दिया। हिजबुल्ला के इस रुख के बाद सवाल उठता है कि सीज फायर का उसका प्रस्ताव क्या महज दिखावा है? क्या लेबनानी जनता की नाराजगी से बचने के लिए हिजबुल्ला सीज फायर की दुहाई दे रहा है? अपनी तबाही के बाद क्या सीज फायर की बात करके हिजबुल्ला अपने लिए तैयारी का कुछ समय जुटाना चाहता है? ये सवाल ही शक पैदा कर रहे हैं कि हिजबुल्ला का सीज फायर शांति का प्रस्ताव है या साजिश वाली नई चाल है। NDTV इंडिया की रिपोर्ट।